चाहिए, आप आए अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने या सैर सपाटे करने के लिए। पूरी तैयारी के साथ आया और यहाँ का दृश्य का नजारा लें, मनोरम दृश्य। और यहाँ पर अपना भोजन ग्रहण करते हुए घास को खा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों चलिए आपको ये एक और रेस्ट हाउस है, शायद ये वीआईपी लोगों का है, सरकारी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, तो निश्चित ही सरकारी गेस्ट यहाँ पर ठहर सकते हैं। बहुत ही सुंदर गेस्ट हाउस बना हुआ है, लेकिन हम जो देखने आए हैं उस पर फोकस करते हैं। बिल्कुल ही अद्भुत आपको देखने, मौसम भी अच्छा है, सुहाना है। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए हमारे दोस्तों को नहाने की इच्छा है, मछली पूरी करना चाहते हैं। यहाँ पर मछली पालन का सिस्टम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं देखने वाले हैं और घूम घूम कर उसका अभिवादन करेंगे। और देखिए यहाँ पर नहाने का प्लान बनता हुआ और मेरे दोस्त नहाने की फिराक में है। यहाँ एकदम वाइट दिखता हुआ क्लीन, आप पी सकते हैं इसको। और कितना सुंदर दृश्य, इसको बोलते हैं जय मिनीमाजा डैम। बहुत ही सुंदर यहाँ पर डैम, यहाँ नज़ारा आप देख सकते हैं। आइए कभी फैमिली के साथ, बड़ा बड़ा मछली है यहाँ। तो ये है बांगो बांध का एक गेट खुला हुआ, देखिए बृहंग दृश्य और कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। मैं मेरी पलटन और ये बांगो बांध का इधर बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। देखिए लाइव पानी यहाँ से जाता हुआ, बहुत ही सुंदर दृश्य है, तगड़ा बोलना चाहिए। पानी यहाँ से जाता है डैम जब गेट खुलता है, तो आप देख ही सकते हैं
ये बड़ा सा डैम अपना बांगो डैम, यहाँ पानी खचा कर भरा हुआ। ये भंवर है, आप ये देख ही सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम यहाँ पहुँच गए हैं बांगो डैम पे, मेरी मेहता बांगो डैम, और यहाँ पास 132 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो कि वहाँ पास है, वहाँ पर उस दिशा से टरबाइन को मूव कराया जाता है, जिसके थ्रू बिजली उत्पादन होता है, और बिजली जो है उस खंभे से होते हुए दूसरे राज्य सप्लाई होता है। और देखो यहाँ पास 3 गेट खुले हैं, यहाँ टोटल 11 गेट है, जिसमें से केवल 3 गेट खुला हुआ है, और यहाँ पास ये पहले वाले गेट में थोड़ा लीकेज है, कोई बात नहीं, कुछ फॉल्ट होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हम सेफ जोन में हैं। और यहाँ पर दृश्य देखते ही बनता है आपका, यहाँ पर देखो पानी जो कि कलर होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर दूरिया कलर दिख रहा है, कितना शाइनिंग, कितना रोमांच भरा बेहतरीन यहाँ पर दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर छोटा सा गार्डन है जहाँ पर सभी घूमने आते हैं, और इस बृहंग दृश्य का नजारा देखते हैं और मजा लेते हैं। देखिए दोस्तों वहाँ पर कैसे पानी उफान मार रहा है, 3 गेट खुले हैं जिसमें से पानी आ रहा है, कुछ दिन पहले ही 11 गेट पूरे गेट खुले थे, लेकिन अभी हाल ही में बारिश नहीं हुई है, इसलिए 3 गेट खुला गया है, और जिसका ये पानी है। कहते हैं दोस्तों वो जो मीटर है वो दीवार सामने दिख रहा है, उसके लेवल तक पानी जो है भर जाता है। और देखो ये घाटी एक नदी बनाती हुई जाती है, ये नदी ही हसदेव नदी कहलाती है, जो कि चांपा तक भर कर जाती है, और बहते बहते श्रीनगर जाकर मिल जाती है, और वहाँ से विशाल नदी का निर्माण करती है। और यहाँ पर मेरे मित्र और बंधु बोला जाए बिट्टू पटेल आनंद उठाते हुए, तो बताइए, मैं आपको पूछना चाहूँगा कैसा आपको फील हो रहा है।